नमस्कार दोस्तों, एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है हरियाणा के रेवाड़ी जिले से। आपको बता दें, हरियाणा के भिवाड़ी में 3 आपराधिक मामलों में नामजद एक बदमाश को पुलिस ने घेरा तो वह भागकर एक घर की छत पर चढ़ गया और खुद को 3 गोलियां मार ली। बदमाश ने 2 गोली अपने पेट पर और 1 गोली पैर में मार ली, जिससे वह घायल हो गया, उसे ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया, लेकिन बाद में उसे रोहतक पीजीआई के लिए रेफर कर दिया गया। पुलिस ने खुद को गोली मारने वाले बदमाश के एक साथी को काबू कर लिया। बदमाश एक घर की छत पर चढ़ गया, जिससे आधे घंटे तक गांव में भी अफरा तफरी रही। सूचना के बाद पुलिस के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। जानकारी के मुताबिक 3 आपराधिक मामलों में नामजद आरोपी की लोकेशन ट्रेस कर गिरफ्तारी के लिए रेवाड़ी के सुठाना गांव पहुंची भिवाड़ी पुलिस को देख आरोपी ने एक घर की छत पर चढ़कर खुद को पेट व टांग में 3 गोली मार ली। गांव में करीब 20 मिनट तक चले हाई वोल्टेज ड्रामे से ग्रामीणों में दहशत देखने को मिली। आरोपी को खुद को गोली मारने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ। बदमाश का नाम राजन भिवाड़ी है, जो कि खर गाँव का रहने वाला है। यह बॉक्सर गैंग का बदमाश बताया जा रहा है। और आपको बता दें, आरोपी पर हत्या के कई मामले भी दर्ज हैं। भिवाड़ी के गुआर फैक्ट्री एरिया निवासी राजन व भिवाड़ी की डबल कॉलोनी निवासी महेंद्र के खिलाफ कुछ दिन पहले ही हत्या के प्रयास का मामला दर्ज हुआ था। इस मामले में दोनों आरोपी फरार चल रहे थे, लेकिन बुधवार को भिवाड़ी पुलिस को दोनों आरोपियों की लोकेशन रेवाड़ी में मिली थी। दोपहर बाद करीब 3 बजे पुलिस दोनों का पीछा करते हुए बाबर रोड स्थित गांव सुठानी में पहुंच गई। पुलिस टीम ने एक आरोपी महेंद्र को तो काबू कर लिया, जबकि राजन ने घर में घुस गया। राजन ने पुलिस टीम पर भी गोली चलाई और भागकर छत पर चढ़ गया। राजन ने अपनी कनपट्टी पर पिस्तौल लगाकर पुलिस से आगे न बढ़ने की भी चेतावनी दी। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए थी ये अपडेट। फिर से हाजिर होंगे एक और नई अपडेट के साथ। तब तक जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल से। धन्यवाद।